सलाम वालेकुम बच्चों, आज फिज़िक्स के सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन था उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी को। फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो, एक दो दिन पहले ही अपलोड हुआ है। और आज जो है सेकेंड ईयर जो गर्ल्स का पेपर हुआ था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकल सेंटर का एक पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। और एमसीक्यूज़ तो बहरहाल जितने किए जाएँ उतने कम है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन सेल्सियस स्केल। 1 डिग्री सेल्सियस इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कहने का मकसद ये है कि जो 1 सेल्सियस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, वो फॉरेनहाइट में कितने चेंज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम सेल्सियस स्केल के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हैं तो फॉरेनहाइट में कितना इजाफा पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं, फॉरेनहाइट में इजाफा पड़ता है, बार बार मैं आपको बता भी रहा हूं, वह है 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट। कैसे? अगर मिसाल के तौर पे सेल्सियस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो फॉरेनहाइट होता है वो 32 होता है, जो कि आपको मालूम है। और अगर उसको 0 से बढ़ा के 1 करते हैं तो याद रखो फॉरेनहाइट स्केल के अंदर उसके नंबर ऑफ डिवीजन्स, क्योंकि 180 होते हैं, तो 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट का फ़र्क पड़ता है। दैट्स वाई जो राइट आंसर है पहला वो है 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट। क्वेश्चन नंबर टू, डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2। अगर हम जो है जो सेपरेशन है दो चार्जेस के दरमियान में उसको 1/2 कर दें तो इट विल कॉज द फोर्स ऑफ रिपल्जन टू बिकम क्या हो जाएगी। अगर हम जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें, जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दें, तो देखो अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि R के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, और R के साथ जो रिलेशन आप समझोगे, R के साथ रिलेशन इन्वर्स है। यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स को बढ़ जाना चाहिए, अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स को बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कितना बढ़ जाना चाहिए, डबल नहीं हो जाना चाहिए बल्कि स्क्वायर है, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स को हम कहते हैं क्वाड्रपल्ट, ठीक है ना। तो 1/4 नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता, हाफ नहीं हो सकता, क्वाड्रपल्ट होगा। क्वाड्रपल्ट का मतलब हो गया अगर हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 5 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम की, 5 ओम की, 7 ओम की, और उनको पैरेलल जोड़ा गया है। अगर 0.3 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, पहले वाले के अक्रॉस जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.3 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दूसरे रेजिस्टर्स पर। तो याद रखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है ना, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। तीसरे की जो आंसर है मेन लॉजिक यही है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो जिसके भी अक्रॉस होगा 0.3 रहेगा, इस वजह से जो हमारा राइट आंसर होगा वो बन जाएगा 0.3 वोल्ट। अगर 3 ओम के अक्रॉस जो है वो 0.3 है तो बाकी सबके लिए भी इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल वर्क का यूनिट है, कूलम चार्ज का यूनिट है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, और 1 जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट के। तो आप वोल्टेज की डेफिनेशन से याद रख सकते हो, ठीक है ना, वोल्टेज की डेफिनेशन के मुताबिक जो वोल्टेज है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे क्लियरली बात हो रही है वर्क का यूनिट होता है जूल और कूलम होता है चार्ज का यूनिट, इस वजह से दोनों को डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज का यूनिट आएगा और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। अगर हम चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर दें वोल्ट मीटर में तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है उसके साथ इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये है लास्ट वाला ऑप्शन, सही ना। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं शंट रेजिस्टेंस पैरेलल, और उसी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं इन सीरीज। आफ्टर अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज़ एड्स, जब अल्फा डीके होता है तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो इक्वेशन के जरिए समझाएं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, याद रखो जब भी अल्फा डीके होता है तो कोई भी एलिमेंट है जेड और ए, इसमें से अगर अल्फा डीके होता है तो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है एक हीलियम का न्यूक्लियस 2 और 4, तो नतीजे में क्या होगा, कोई नया एलिमेंट बनेगा, और उस नए एलिमेंट के अंदर फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा तो जेड माइनस 2 हो जाता है, और यहाँ पे हीलियम की 4 है तो ये जो एटॉमिक मास है इसमें से माइनस हो जाता है 4, ठीक है ना, ये इक्वेशन है फॉर अल्फा डीके।
देख लेते हैं क्या सही रहेगा। पूछा गया है चार्ज नंबर डिक्रीज बाय फोर, नहीं चार्ज नंबर में दो की कमी आती है। चार्ज नंबर इंक्रीज बाय फोर, नहीं ऐसा भी नहीं है। मास नंबर इंक्रीज बाय फोर, नहीं ऐसा भी नहीं है। मास नंबर डिक्रीजेज बाय फोर इज द राइट आंसर, क्योंकि आप देख लें जो मास नंबर है उसमें कितने की कमी आ रही है, फोर की कमी आ रही है। तो सही आंसर होगा मास नंबर डिक्रीज बाय फोर। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैक्सिमम फोर्स जो है वो कैरी होती है, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जब उसे किस एंगल पे रखा जाए, पैरेलल रखा जाए, 45 डिग्री पे रखा जाए, 60 डिग्री, तो याद रखो 60, 45 ये तो आंसर्स हैं गलत। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कन्फ्यूज़ हो गए तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में हो गए। और याद रखो जो फोर्स होती है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर उसके लिए फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉर्मूला है फोर्स BIL साइन थीटा, और साइन के फंक्शन के होने की वजह से याद रखिए मैक्सिमम फोर्स कब होगी, साइन मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड। द फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करनी है तो क्वेश्चन नंबर सेवन के जैसे ही है। फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे आएगी, अगर फॉर्मूला हमें बनाना है तो वो जाएगा F ओवर L, ये L यहाँ से मल्टीप्लाई से चला गया डिवाइड में, तो ये बनेगा सिर्फ बचेगा यहाँ पे BIL, सॉरी L तो जाके डिवाइड हो गया, बचेगा BI साइन थीटा। तो जो क्वेश्चन नंबर एट है उसका आंसर होना चाहिए BI साइन थीटा, ढूंढ लो BI साइन थीटा या आई बी साइन थीटा एक ही बात है, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को डिवाइड में भेजा गया तो आई बी साइन थीटा के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर नाइन, द टेम्परेचर एट विच द गैसेज इफ दे रिमेन इन गैसेस स्टेट एग्जर्ट जीरो प्रेशर एंड हैव जीरो वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जिस पे गैसेज अगर गैशियस ही रहे, लिक्विफाई नहीं हो, तो वो जीरो एग्जर्ट करती हैं, प्रेशर और वॉल्यूम भी जीरो होता है, तो याद रखिए उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, यानी कि जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स लॉ के जरिए, चार्ल्स लॉ के ग्राफ से हमने इसका ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी थी। क्वेश्चन नंबर टेन, टू एंड्स ऑफ अ रॉड आर एट टेम्परेचर, रॉड के जो एंड्स हैं, एक एंड का टेम्परेचर -100 है, एक का -300 है रिस्पेक्टिवली। -100 याद रखो गर्म है, और -300 बहुत ज़्यादा ठंडा है, -300 है। हीट विल फ्लो, तो हीट की डेफिनेशन के मुताबिक हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, और यहाँ पर जो है वो माइनस का 100 हाई है और माइनस का 300 लो है, तो -100 से -300 की तरफ जाएगी। तो एम स्प्रिंट हुआ है यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस टू -300 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है, तो -100 हॉटर है और -300 उसके लिहाज से कोल्डर है। क्वेश्चन नंबर 11, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, सिंपल सी बात है यूनिट मास है और 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। याद रखो अगर यहाँ पे 1 ग्राम नहीं होता तो हीट कैपेसिटी आता, बट क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया है, यूनिट मास कर दिया है, तो ये कहलाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन, जो डोमेस्टिक प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी बन जाता है, तो वो किस बेसिस पर काम करता है, याद रखो वो आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है, जिसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है और जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। याद रखो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हीट भी दी जाती है और प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं रहता, नॉर्मल बर्तन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वाहिद याद रखो उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, दैट्स वाई सेम वॉल्यूम मीन्स आइसोकोरिक। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हीट कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इन टू वर्क, कम्प्लीटली तो बहरहाल नहीं हो सकता, वर्क कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट होना चाहिए आगे, बहरहाल ये भी नहीं है। बोथ वर्क एंड हीट आर इंटरकन्वर्टेबल, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट को वर्क और वर्क को हीट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और ये स्टेटमेंट सही है, और ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी क्योंकि उल्टा हो गया। तो याद रखो बोथ वर्क एंड हीट आर इंटरकन्वर्टेबल, हीट को वर्क और वर्क को हीट में कन्वर्ट कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन कूलोमीटर नहीं गलत, वोल्ट पर मीटर गलत, ये वाला यूनिट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो यूनिट होते हैं, याद दिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इधर ही बता देता हूँ, दो यूनिट होते हैं, एक तो होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। और ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आ जाता है, तो याद रखो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात थी ना, ये वहाँ से आता है,
कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, नेगेटिव और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, तो वोल्टेज का यूनिट ये आ गया वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द आंसर, कहाँ चला गया, वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इफ 4 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, सीरीज में जोड़ा हुआ है तो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे, कितना कितना है, एक है हमारे पास 4 और एक है 2, तो सीरीज का जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, एक है बराबर 4 के, एक है बराबर 2 के, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 1+2, तो ये हो गया कितना, 3/4 और 1/C, तो 1/C की जगह सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 के, एंड 4/3 इज इक्वल टू, 4/3 बराबर होता है 1.33 माइक्रोफेराड के, तो यूनिट क्योंकि दोनों का माइक्रोफेराड था तो आंसर भी माइक्रोफेराड में आना चाहिए, रेसिप्रोकल करना भूलना नहीं वरना आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन थी और उसका आंसर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। मिनिमम इलेक्ट्रिकल चार्ज जो पॉसिबल होता है आइसोलेटेड फॉर्म में, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1 कूलम से तो कम बहुत चार्ज होता है, माइक्रो कूलम भी होता है वो तो आपको पता ही है, तो राइट आंसर है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है मिनिमम वो है 1.6 × 10⁻¹⁹। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इतनी फोर्स के साथ और जब उसको प्लेस किया जाता है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अगर डिस्टेंस को बढ़ा के 2 मीटर कर दें यानी कि इस डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी हो जाएगी, याद रखो अभी भी मैंने आपको समझाया अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कूलम लॉ में डिस्टेंस पे लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया 4, यानी कि जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी क्योंकि अब हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो 4 टाइम्स कम होने का मतलब हो गया 4 × −4/4, ये बराबर हो जाएगा 1 × −4 N के, ठीक है, ये है राइट आंसर इसका, जब हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी डिवाइड बाय 4, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, है क्वांटम शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स, अब पता है क्या ये इसमें एरर है, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना ये चारों ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के हैं ही नहीं, क्वांटम शिफ्ट जो होता है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर कि एंगल कितना है, ठीक है ना, वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता बल्कि वो डिपेंड करता है क्वांटम शिफ्ट इन वेवलेंथ डिपेंड करता है एंगल पे, मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं उसका, क्वेश्चन नंबर 19, क्वांटम शिफ्ट इन वेवलेंथ बराबर होता है डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 − cos θ, तो यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हो गया होगा, बहरहाल हो जाती है गलती, तो ये जो है ना एच भी कांस्टेंट, एम नॉट भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो जो क्वांटम शिफ्ट है वो सिर्फ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है ना जिस पर फोटोन जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो बहरहाल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, द फार्मूला टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन का एक सिंपल सा फार्मूला होता है एच ओवर लेमडा, ये रहा एच ओवर लेमडा, और ये कहाँ से आता है, ये डी ब्रॉली हाइपोथीसिस से ही आता है और वैसे क्वांटम इफेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल होता है ये एच अपॉन लेमडा, आपने फार्मूला याद रखना है, इज द फार्मूला फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल जुड़ी हुई हैं, तो टोटल कितना होगा, सॉल्व करके बताता हूँ, वैसे तो मुझे डायरेक्ट आंसर पता है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, पैरेलल जुड़े हुए ना रेजिस्टर्स, तो उसके लिए होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R3, तो 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, 1/3 1/3 1/3, एलसीएम भी आएगा यहाँ पे 3 1+1+1 3 और 1/R बराबर हो जाएगा 1 के, और अगर 1/R 1 के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है R भी बराबर हो जाएगा 1 ओम्स के, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 ओम, वेर इज दिस 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 22, ओम्स लॉ इज ओबेड इन, अच्छा अब हो सकता है वैसे तो तरीकेकार हैं, ये बात आप याद रखें, सेमीकंडक्टर में तो ओबे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्यूब तो बहरहाल थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर को क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, तो ऑल ऑफ दीज वाली बात गलत हो गई, सेमीकंडक्टर में ओबे नहीं होता,
लेकिन मेटेलिक कंडक्टर के अंदर होता है, कॉपर में होता है, सिल्वर में होता है, जितने मेटेलिक कंडक्टर्स हैं ओम्स लॉ सिर्फ उन्हें ओबे करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब को भी नहीं करेगा। वैसे तो करता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करने के तरीकेकार बता रहा हूँ। सो राइट आंसर आ मेटेलिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द मेन लाइन, हम लोग जो घर के कनेक्शन करते हैं तमाम की तमाम चीज़ों का मेन लाइन के साथ वो पैरेलल करते हैं, ठीक है ना, और न्यूट्रल वायर के साथ पैरेलल जोड़ते हैं। पैरेलल क्यों जोड़ते हैं? ताकि वोल्टेज जो है वो हर एक चीज़ को 220 मिले। जैसे हमारे घरों के अंदर 220 वोल्ट आ रहा है, तो हम चाहते हैं सबको वोल्टेज सेम मिले, क्योंकि करंट डिफरेंट होता है। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहे। क्वेश्चन नंबर 24, आई बराबर होता है सी ओवर बी एन ए थीटा, तो ये फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर के लिए इस्तेमाल होता है। हेंस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर वी मस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, इसमें से किसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब पता है क्या, मैं आपको सेंसिटिविटी का पहले फॉर्मूला तो बताऊं ताकि फिर आप इजीली समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर 24, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट करेंगे तो ये आई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बी एन ए उधर शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में, सी डिवाइड में आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा बी एन ए ओवर सी कपल पर ट्विस्ट। जाहिर सी बात है इस पर इन्वर्स रिलेशन है, इसको कम करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और बाकी इन सब चीज़ों को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब सवाल ये था किसको कम करना पड़ेगा, तो याद रखो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सी, सी यानी कि कपल पर ट्विस्ट। इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड फर्स्ट आंसर है, पैरेलल टू द फील्ड होता है, और ये गैल्वेनोमीटर के अंदर भी पुट की जाती है, जो कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो पुट किया जाता है, पैरेलल टू द फील्ड। इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पोल पीसेज यू शेप मैग्नेट आर कॉनकेव, कॉनकेव पोल्स क्यों बनाए जाते हैं गैल्वेनोमीटर में, ये लेक्चर मैंने समझाया भी था, टू मेक द फील्ड रेडियल, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फील्ड हो वो बन जाए रेडियल, और रेडियल बनेगी तो हमेशा पैरेलल होगा, और हमेशा पैरेलल होगा तो मैक्सिमम इफेक्ट नजर आएगा। इस वजह से 26 का भी आंसर हो जाएगा, टू मेक द फील्ड रेडियल। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला चैप्टर नंबर 16 का वाहिद फार्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और उस फार्मूले के मुताबिक जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बराबर होती है 1 ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और रेसिप्रोकल, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है 3 एक्सपोनेंट 8। क्वेश्चन नंबर 28, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन अ सिग्नल मीन्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एम्पलीट्यूड को चेंज करना, और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं याद दिलाएं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कोई भी अगर वेव बनती है ना तो ये जो वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है ना, ये जो वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये जो है ना इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये टू टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया, बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, तो जाहिर सी बात है बस वाई एक्सिस की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिग्नल का मतलब होता है डिक्रीज इन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं है, टाइम पीरियड एक्स एक्सिस की वैल्यू है, इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल, इंक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल विड्थ, नहीं हॉरिजॉन्टल भी नहीं, ऑल ऑफ दिस तो मुमकिन ही नहीं है। याद रखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, और एम्पलीट्यूड होता है वर्टिकल विड्थ ऑफ द सिग्नल, ठीक है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया वर्टिकल होता है वाई एक्सिस के अंदर होता है, सो राइट आंसर इज द इंक्रीज इन द वर्टिकल विड्थ ऑफ अ सिग्नल। नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन द ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, तीन टर्मिनल्स होते हैं ट्रांसिस्टर में, बल्कि हमारे सिलेबस में वाहिद डिवाइस है अगर मैं गलती नहीं कर रहा जिसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर बेस एंड कलेक्टर, और एनपीएन से भी याद रख सकते हो, पीएनपी से भी, के तीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है सब में, पीएनपी में भी होता है और एनपीएन में भी होता है, सब में जो एमिटर बेस जंक्शन होता है ट्रांसिस्टर का उसको फॉरवर्ड बाइज बनाया जाता है, पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो। क्वेश्चन नंबर 31, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप बाय अ हैवी मेटलिक टारगेट इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज का है, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप बाय अ हैवी मेटलिक टारगेट, ठीक है ना, किसी भी किस्म का चाहे ब्रह्म स्ट्रॉलम हो चाहे करेक्टरिस्टिक हो, एक्स रेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम, लेजर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जी नहीं, क्या न्यूट्रॉन निकलते हैं जी नहीं, तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही गलत हो गया, राइट आंसर आ जाएगा अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट लेजर इमिट करता है, ये लेजर की डेफिनेशन के अंदर आता है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है 0.53, और कितना है 10 रेज टू द पावर
ये देख लो। अच्छा, कन्फ्यूजन इधर क्या होगी, हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पे एंगस्ट्रॉम में या 10 रेज टू द पावर, किस में 10 रेज टू द पावर -10, यानी कि एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो अगर देखा जाए तो 5.2 या 5.3 एंगस्ट्रॉम या 5.53 एंगस्ट्रॉम या 53 एंगस्ट्रॉम या 0.53 एंगस्ट्रॉम आंसर होता है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 33। तो याद रखो एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है 0.529 या 5.53 भी कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम के अंदर इतना होता है। और बाकी अगर हम करना चाहें 10^-9 में तो 5.2 भी कर सकते हैं, 5.2 10^-9, ठीक है ना। तो ये है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। उसके बाद क्या आ गया, लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द, जो लेमन सीरीज होती है, लेमन, बैलमर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड, इस तरीके से चलता है। तो जो लेमन सीरीज होती है वो लाए करती है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। 35 द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू एम ऑर्बिट। अगर हायर ऑर्बिट से एम ऑर्बिट के अंदर जाते हैं तो कौन सी सीरीज बनेगी। अच्छा, एम ऑर्बिट कौन सा होता है, इधर आ जाओ, 35 क्वेश्चन समझते हैं। तो लेमन होता है, बैलमर होता है, पैशन होता है, ब्रैकेट होता है और पी फंड होता है। तो ये मैं आपको सीरीज समझाता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर फाइनल ऑर्बिट जो है वो के शेल होता है, इसमें एल शेल होता है, इसमें एम शेल होता है। तो हायर ऑर्बिट से कभी भी अगर एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जम करेगा, यानी कि तीसरे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जम करेगा, तो उस सीरीज का ताल्लुक होगा पैशन सीरीज के साथ। और पैशन सीरीज है हमारा पहला वाला आंसर, पैशन सीरीज। इन रेडियो एक्टिव डी के एन इज इक्वल टू एन नॉट ई एक्सपोनेंट -λT, लेमडा जाहिर करता है डी के कॉन्स्टेंट को, कन्फ्यूज नहीं होना, वेवलेंथ को जाहिर नहीं करता, लॉ ऑफ रेडियो डी के अंदर इट इज़ डी के कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 37, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो मिसिंग पार्टिकल है वो क्या है। अच्छा, तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले क्लियरली ताकि आप लोगों को नज़र आने लगे। 37 इक्वेशन क्या है, जाएगा N7 14, और इसके साथ ऐड हो रहा है हमारे पास हीलियम, और नतीजे में बन क्या रहा है वो देख लो, नतीजे बन रहा है हमारे पास ऑक्सीजन 8 और 17, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन 8 और 17, और अगली चीज़ क्या बनेगी, तो देखो बैलेंस करने का तरीके का है, 7 + 2 ये हो जाएगा 9, इसका मतलब एटॉमिक नंबर टोटल 9 होना चाहिए, और ये हो जाएगा 14 + 4 बराबर होता है 18 के, तो ये टोटल 18 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो है 8 और 17 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर में 1 आना चाहिए, एटॉमिक मास में 1 आना चाहिए, और एटॉमिक नंबर में 1 और एटॉमिक मास में 1, तो वाहिद वो बात निकलती है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन आएगा, यानी कि H11। तो आंसर ढूंढना पड़ेगा प्रोटॉन, दिस इज द राइट आंसर, H11 का मतलब होता है प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ, एटॉमिक नंबर कब इंक्रीज होता, इंक्रीज हो जाता है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वाहिद बीटा रेडिएशन जब इमिट होती है तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, जब भी नेगेटिव बीटा रिलीज होता है तो, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ डी के कॉन्स्टेंट एंड द हाफ लाइफ 0.693 होता है, कभी भी डी के कॉन्स्टेंट लेमडा हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0.693 होता है, क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला यही है। क्वेश्चन नंबर 42, ये जो डिवाइस है वो विजिबल करती है पाथ को आयनाइजिंग पार्टिकल्स के, विल्सन क्लाउड चैम्बर, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 में। दिस इज़ हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल, मोस्ट आयनाइजिंग पार्टिकल जो है वो अल्फा होता है, क्योंकि मैसिव होता है, बहुत तरीकों से वो कर सकता है आयनाइजेशन। और गाइगर काउंटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट, जो गाइगर काउंटर है वो डिटेक्ट करता है आयनाइजिंग रेडिएशंस को, ठीक है। ये हो गया 42 MCQs, और बाकी कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ गया है हमारे मॉडल पेपर से, पॉजिटिवली चार्ज थिन, ये पास्ट पेपर के अंदर मिल सकता है, 500 टर्न्स बुक का क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस का सोलनाइट वाला बना के दिया हुआ है, लेकिन है उसी के जैसे ही, और व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी बुक का क्वेश्चन है। तो आमतौर पे आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है सेक्शन बी के अंदर। सो दैट्स ऑल, आई होप के सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर होंगे और मैं थोड़ा आसानी प्रोवाइड करने में कामयाब रहा हूँगा। वैसे तो MCQs ओवरऑल मेरा अगर आप रिव्यू लो तो अच्छे थे, और आमतौर पर पेपर में ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।